मुरैना के अम्बाह विकासखंड के ग्राम पंचायत गुंजबधा के मलबसई मतदान केंद्र पर मतपेटियां लूटने का प्रयास करने के दौरान तहसीलदार राजकुमार नागौरिया को घायल करने वाले उपद्रवियों में से 9 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा एवं बलवा की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 50 लोग अज्ञात है। रविवार को SDM एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 3 नामजद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तहस नहस कर दिया गया। वहीं सभी अपराधी गांव छोड़कर भाग निकले हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। SDM राजीव समाधे अम्बाह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरवरिया के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात कर ग्राम गुंजबंदा में नामजद आरोपियों के 3 घरों को तोड़ दिया गया। पुलिस को देखकर आरोपी एवं उनके परिवार जन गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। शनिवार को मतदान के दौरान मलबसई मतदान केंद्र पर मतपेटी लूटने की कोशिश करते हुए तहसीलदार नागौरिया पर पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गए और उनकी आंख बच गई। वहीं आमकारी अधिकारी निधि जैन की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा से गाँव में तनाव फैल गया। घटना के बाद अम्बाह थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर से आरोपी दिलीप शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा, कपिल शर्मा, ग्राम पंचायत सचिव हरपाल परमार, बुराई परमार, भोंदू परमार, पंकज सखरवार, नेहना परमार, लोकेंद्र सखवार, कमलेश सखवार सहित 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा, बलवा आदि के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा घटना के दूसरे दिन नामजद अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे प्रतिशोध की कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक एवं पुलिस महकमा में चर्चा है कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई से आगामी चरणों में होने वाले मतदान से पूर्व उपद्रव करने की सोच रहे अपराधी सतर्क हो जाएंगे और किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की यह रिपोर्ट।